आजा आजा, जल्दी जल्दी घर चलें। फिर आप ही वो कब आएंगे? अरे वो हमने मम्मा को कहना था जो कह दिया है, वो आएंगे शाम को। ओए मुझे स्क्वाड में से एक बंदा किट दे, चलो शाबाश। अरे आप ही वो देखो, पबजी का भूत कब उतरेगा इसके सर से। ए भाई, हर वक्त पबजी खेलता रहेगा क्या? अरे अगर तू ऐसे ही खेलता रहेगा ना पबजी, तो जिंदगी भर भेजेगा सब्जी। अरे आप ही किसके सामने आप बीन बजा रही हो, मैं किसी की बात सुनता है? ये ले रख दिया। अरे आप ही मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। किसकी? अरे आप ही मैं अपनी वीडियो बनाना चाहता हूँ, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ मैं। हैं? ये क्या होता है, ये कैसे करेगा तू? इसके लिए तो अच्छा मोबाइल होना चाहिए। ये है ना मेरे पास सबसे अच्छा मोबाइल, और मैं अब गेम खेलना छोड़ दूंगा और सिर्फ वीडियो बनाया करूंगा। अच्छा तेरे पास मोबाइल तो है, पर मम्मा पापा की परमिशन है? हाँ सही कहा इसने, हमारे खानदान में ये कोई वीडियोस वीडियोस नहीं बनाता, कोई ये सोशल मीडिया नहीं यूज करता। हाँ पी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं करूँगा ना। ओ भाई, पापा ने तुम्हें ना घर से निकाल देना अगर तुमने ये कोई ऐसा काम किया तो। बड़े बड़े ख्वाब देखना ना छोड़ दे, ये सिर्फ ना ख्वाब ही रह जाते हैं, पढ़ाई तुझसे होती नहीं। और घर में भी जब बैठा होता है, सोने उठने का तुझे पता नहीं होता, हर वक्त मामा ये दे दे मामा वो दे दे, उठने की तुझे फुर्सत नहीं होती, और तू वीडियोस बनाएगा। बड़ा दिल और गुर्दा चाहिए होता है इस काम के लिए। हाँ बड़ी मेहनत का काम है ये, दिन रात बस वीडियोस ही वीडियोस, ताकि तरक्की कर पाओ। तुम करोगे तरक्की? अरे आप ही फिर बात वही आ गई, जितना मर्जी इसको समझाओ ये समझता नहीं है। और भाई एक बात मेरी याद रखो और कान खोल के सुन भी लो, जिस दिन तुझे पापा ने वीडियो बनाते हुए देख लिया तो देखना वो तेरा आखिरी दिन होगा इस घर में। अरे मैं कर लूंगा ना, पूरी दुनिया करती है, आजकल का जमाना ही है, हर कोई नया नया कंटेंट क्रिएटर बन के आ रहा है और वो इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो अभी मेरा भी दिल करता है कि मैं भी कंटेंट क्रिएटर बनूं, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। मैं तो बनाऊंगा आप ही, और आप ही अगर मैं घर में कुछ करता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता, अभी मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर शौक है, मुझे आता है सब कुछ, पर मैं करता नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ, पापा से परमिशन कौन लेगा वीडियो बनाने की? तुम लेके दोगे ना, वो बहने किस काम आती है। हाँ हम इसी काम के लिए रह गए हैं, हमने पढ़ाई खिला ली है, और अगर हम तुम्हारी परमिशन ले ही लेंगे तो हमारा क्या फायदा, हम अपनी बात करें ना, तुम्हारी क्यों करें? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खुद ही कर लेता हूँ पापा से बात। मुसाफी दर्शन कहाँ? अभी लगता है पापा आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, हमारे सामने ही कर ली बात, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो आ गए। क्या बात है बेटे, आवाजें दे रहा हूँ मैं। पापा से... ये भाई आपसे बात करना चाहता है। मेरे से क्या बात करना चाहते हो बेटा? बात करो, पूछो मुझे। खैरियत है, कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की? और क्या बना आपकी बुक का, क्या क्या आई वर्टी से? और अभी आप, आपके यूनिफॉर्म का क्या बना? क्या बात है बताओ मुझे, मैं मुझे बोलना भाई। अरे बोलता हूँ उनको, वो बाबा आपसे एक इजाजत चाहिए थी। मेरे से इजाजत? हाँ। स्कूल पिकनिक वगैरह पे नहीं मैंने भेजा? नहीं नहीं नहीं, अलग है। अलग है, बोलो क्या बात। डांटेंगे तो नहीं? बताओ तो सही। अच्छा बाबा, मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ, मैं बना सकता हूँ क्या? हाँ बाबा, मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ। तुम वीडियो बनाना चाहते हो? हाँ बाबा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बात को सोचने की भी, हैं? क्या कहेगा खानदान हमारा, हैं? ये तुम्हें सोचा कहां से? पढ़ाई का तुम्हें ख्याल है? पबजी पे तुझे मना करता हूं, उस पे तुम बाज नहीं आते, छुप छुप के तुम मोबाइल के साथ पबजी खेलते हो, बड़े बड़े लोग हैं, छोटे छोटे भी हैं। बाबा मैंने पबजी खेलना छोड़ दिया, अब मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, जैसे पूरी दुनिया बनी है और इतनी मजे की वीडियोस होती हैं, मेरे खुद दिमाग में आती हैं, फनी मोटिवेशनल, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को दिखाऊं, अपने आइडियाज लोगों को बताऊं।
पापा आपसे परमिशन मिल जाएगी तो मेरे लिए बहुत काम आसान हो जाएगा, और अगर मैं हिट हो गया ना तो नाम तो आपका भी आएगा। मुझे ऐसा नाम नहीं चाहिए जो मेरे लिए बदनामी बने। तुम वीडियो नहीं बनाओगे, और अगर तुमने कोशिश भी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मैं ये भी नहीं देखूंगा कि तुम मेरे इकलौते बेटे, क्योंकि हमारे खानदान में डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या बिजनेसमैन तो बन सकते हैं लेकिन वीडियो मेकर नहीं। सुन रहे हो ना? कान खोल के सुन लेना, तुम वीडियो नहीं बनाओगे। ये कुछ ऐसा करे तो फौरन मुझे बताओ। खानदान का नाम डबो के रख देगा ये। तुम्हारे दोस्त भी जैसे वैसे तुम। बाबा मैं कोई गुनाह तो नहीं करने लगा। खामोश हो जाओ, मुझे ये मत बताओ कि तुम गुनाह कर रहे हो या नेकी का काम। समझाओ इसको अच्छी तरह। बाबा बोलो बेटा। बाबा बनाने देना उसको, आपका एक ही तो बेटा है, उसकी छोटी सी खुशी है, दुनिया को क्यों देखते हैं? चुप। मैं उसको मैं इजाजत नहीं दे सकता था। मैं क्या कहेगा खानदान उसका? क्या कहेगा तू? हाँ क्या कहेगा खानदान कि हमारे बच्चे ये वीडियो बनाते हैं? अगर वो अकेला वीडियो बनाएगा तो फिर वो तुम्हें भी लेगा, इसको भी लेगा। वो एक करैक्टर नहीं, उसने कोई स्पीच नहीं करनी, वो कंटेंट की बात कर रहा है। क्या करोगे काम? तुम करोगी? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हमारे खानदान में कोई भी, कोई लड़की, कोई बच्चा आज तक कभी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आया। ये जो वीडियो क्या कुछ ड्रामे ड्रूमे ये इस पे नहीं आया। तो अब आ जाते हैं? कैसे आ जाते हैं? खानदान वाले मैंने क्या कहा है? कौन क्या कहेगा? बाबा अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं या खानदान वालों की? वो देखो उसके लिए बात कर रही हूँ, उसके साथ में उसके लिए मेरे से फाइट कर रही हूँ। वो देखो वो पटाखे फोड़ रहा है। बाबा वो जैसे पटाखे बजा रहा है ना, ऐसे ही उसकी जिंदगी के पटाखे फूटेंगे, सब लोग उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, उसकी इज्जत होगी। बाबा वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा कि कभी बिस्ती नहीं होने देगा। खामोश हो जाओ। बाबा आप उसको एक बार इजाजत तो दें। हाँ। एक बार सिर्फ, एक बार उसको कोशिश तो करने दें। हाँ। हो सकता है वो कामयाब हो जाए। ये मुझे नहीं पता वो कामयाब होता है या नाकामी से वापिस लौटते हैं। एक वीक दूंगा सिर्फ, एक हफ्ता, उसके बाद वो कामयाब हो या ना हो वो वीडियो नहीं बनाएगा। सिर्फ एक हफ्ता। अब मेरे पास दोबारा इस बात को लेके मत आना। लाइट जलाओ घर बाहर की। भाई को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? सर हम आपके हमसाए हैं। क्या कमाल कर दिया आपके बेटे ने पूरी दुनिया में। क्यों, क्या हुआ, खैरियत है? आपको नहीं पता कितने सादा लोग हैं आप। मुझे लगता है कुछ उसने उल्टा सीधा। जल्दी से बताओ खैरियत तो है? नहीं नहीं कोई उल्टा सीधा नहीं काम किया उसने,
पूरी दुनिया में लोग अपने बच्चों को आपके बेटे की वीडियो दिखा रहे हैं और बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। वो वीडियो दिखा दिखा के उनको बोलते हैं कि ऐसे काम करो। सच? जी, आपका नाम रोशन कर दिया आपके बेटे ने। मुझे इस बात का यकीन नहीं हो, लेकिन ये कमाल मेरा बेटा ही कर सकता है। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बताया। मैं अकेली बात नहीं करने आया, मैं तो आपका मुंह मीठा करवाने आया हूँ। अच्छा। ये ले बाबा। देखा, मैंने कहा था ना आपका बेटा हीरो बन गया है। हाँ, सुना सुना। जी बाबा, मैंने सुना। जिसको हम घर में सिर्फ मूसा मूसा कहते थे, आज वो लोग मूसा तनवीर बन गए। सब उसको मूसा तनवीर से जानते हैं। सच? वो कहाँ है? मैं उसका खुद मुंह मीठा करूंगा। मूसा को बुलाओ। वो अभी पापा इंटरव्यू पे गया है, उसको लोगों ने बुलाया था। अच्छा जी। अरे भाई साहब, मेरी खुशी, वो आ गया। मेरा बेटा आ गया, मैं इसको खुद लेने जाऊंगा। और मेरा बेटा, चांदनी की किरणों में देखूं तेरा चेहरा, मैं डूब जाऊं आंखों के गहरे गहरे दरिया में। अरे बाबा, इतनी दूर के खड़े हैं, इधर हैं। अरे मैं देख रहा हूँ मेरा बेटा कितना स्मार्ट लग रहा है। अरे भाई, हीरो बन गया मेरा बेटा। देखा बाबा, मैंने आपको कहा था ना, मैं एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा। अगर आप भाई, सारा खानदान तुम्हारा तुम्हें देखना चाहता है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमसे मिलना चाहता है। अरे मैंने तो मैं तो इसको ये देखो कैसा बाबू लग रहा है ये है? मैंने तो फिल्मों में अमिताभ, अनिल कपूर, ये रणबीर कपूर, ऋषि कपूर, ये लोग ही देखे थे। आज मैं अपनी आंखों से, अरे अरे मेरा बेटा, अरे देखा, अरे वाह रे वाह। अगर आप मुझे उस दिन हाँ ना करते, उस दिन मुझे इनकार कर देते वीडियो बनाने से, तो शायद आज मैं मूसा तनवीर ना होता। देखा, इसमें इसका मतलब है कि बच्चों का अगर इरादा मजबूत हो तो एक दिन इंसान वो बच्चे बहुत आगे जाते हैं। हाँ, कामयाब। हाँ। मैं तो हैरान हो गया, मेरी तो सोच ही दंग रह गई। तुम, अरे भाई, हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारा भाई सुपरस्टार बन चुका है। और तुम्हारा भी शुक्रिया बहन भाइयों, तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की। नहीं तो उस दिन पापा मुझे इनकार कर देते और आज भी मैं पटाखे फोड़ रहा होता। अच्छा चलो बस करो, अब ज्यादा शर्मिंदा मत करो मुझे। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, भाई कांग्रेचुलेशन। अरे तुम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करो, मुझे फोन कॉल बहुत आ रही है, मैं अपने खानदान से जरा बात कर लूं। ओके। अच्छा अच्छा, बस कर दो, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, चार इंटरव्यूज देके आया हूँ। अब मैं घर जाऊंगा, आराम से कुछ खाऊंगा पीऊंगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? आई होप आपको मजा आएगा। तो अगर मजा आया आपको, हमें कमेंट्स में जरूर बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी जो है ना, आप कभी भी पीछे नहीं हो। आपके पास जो भी है, आप उससे काम शुरू कर सकते हो, आप उससे वीडियो बनाना शुरू कर सकते हो, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। बस आपको अपने मामा पापा का सपोर्ट चाहिए, इजाज़त चाहिए, जैसे मैंने इस वीडियो में अपने मामा पापा से ली। तो फ्रेंड्स, मेरा तमाम माँ बाप से भी जो है दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें इस चीज़ में। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप दूसरे बच्चों को अच्छा लेसन दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो बाकी थैंक यू सो मच, आपको इंजॉय किया होगा। बाकी लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चलो चलिए। जिस दिन पापा ने, टाइम नहीं वेस्ट करना प्लीज, ओके? जिस दिन पापा ने तुम्हें वीडियो में देख लिया, टाइम वेस्ट नहीं करना। आपी,
मैं घर में नहीं 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 मैं घर में कुछ करता हूँ। हमने पढ़ना लिखना नहीं है और अगर हमने आप लोग तुम्हारी परमिशन दी। ओके बेटी और मेरा बेटा कट कट यार ये आप ही ना करो ना करो यही सारी थी बेटे नहीं ऐसे नहीं करो काम करने दो क्या आप बेटे पीछे हो जाया करो मुझे सीन देने दिया करो आप पीछे हो जाओ आपके आप मेरे सामने आ रही थी ओके प्लीज आप लोगों ने तो देखा होगा आप ही तो समझम नजर आ रही है ठीक है मैं थे आगे रुकाना ओके।